बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम टमाटर और प्याज का सालन बना रहे हैं, जिसके लिए ये मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये मैंने प्याज लिए हैं, ये मैंने मीडियम साइज के चार प्याज लिए हैं और एक ये आलू काट के इसमें डाल लिया है। तो इसे पका लेते हैं। ये ऑयल गर्म करने के लिए मैंने रख लिया है। एक प्याज और जो है हमारे आलू, वो इसमें ऐड कर लेते हैं और बहुत ये टेस्टी, बहुत मज़े का हमारा सालन जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिए, बहुत ये मज़े का बन के तैयार हो जाता है और बहुत आसान से टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। रेसिपीज़ वगैरह जो भी होते हैं बहुत आसानी से जो बन जाते हैं, कम बजट में बन जाते हैं, वो वाली मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें कि ताकि मेरी भी हौसला अफजाई जो है वो बढ़े और मेरा काम करने को और भी दिल करे। और देख रहे हैं इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी तो वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, खाना पकाना तो इतना मुश्किल है और ऊपर से हमें जो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो वो तो इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम जो है कहते हैं कि नहीं, हमें वीडियो बनानी है। तो प्लीज़ आप लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। ये प्याज को पका लेते हैं। ये देखें जितने सालन में हमारे प्याज पड़ते हैं, थोड़े से उतने नहीं, थोड़े हैं, थोड़ी क्वांटिटी हमें ज़्यादा चाहिए प्याज की भी। तो ये बहुत मज़े का सालन हमारे जो है बन के तैयार हो जाता है। आप चाहें तो ये नाश्ते में भी बना सकते हैं और राइस के साथ, पराठे के साथ ये तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। चाहे तो डिनर में बना सकते हैं राइस के साथ। ये हमारे प्याज जो है वो गोल्डन हो गए, ये देख लें। इससे ज़्यादा नहीं पकाने आपको, बिल्कुल इतने ही आपको पका लेने हैं। तो हम इसमें अपने जो है कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेते हैं। ये मैंने जीरा लिया है, वो ऐड कर लेते हैं इसमें। ये आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर लेते हैं। ये कुटा हुआ धनिया ऐड कर लेते हैं इसमें। और ये हल्दी जाएगी इसमें और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। ये मसाले भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी देर हम पका लेते हैं। तो इसी स्टेज पे हम जो है ये अपने टमाटर और ये हरी मिर्च ये ऐड कर लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। यह से ज़रूरत हम इसमें नमक ऐड कर लेते हैं। और अभी हम थोड़ी देर के लिए 5 से 7 मिनट तक के लिए ढक्कन लगा के बिल्कुल हल्की आंच पे इन टमाटरों को हम सॉफ्ट होने देते हैं कि ये हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाएं। ढक लेते हैं 5 से 6 मिनट तक हम इसे ढक लेते हैं, इसके बाद हम चेक करेंगे। जी तो 4 मिनट हो गए हैं, हमने इसे चेक कर लेना है। इसे चेक करके कि हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो गए हैं या नहीं, ये देखें माशाल्लाह से ये सॉफ्ट हो गए हैं। 4 मिनट में हमारे जो है टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा इन्हें हम पीस लेते हैं हाथ की मदद से ऐसे, ये देख लें। अगर आपके 1 किलो अगर आपके पास टमाटर है तो आधा किलो आप उसमें प्याज डालिए, फिर ही आपके मज़ेदार से ये जो है सालन बन के तैयार हो जाता है। तो ये इतना टेस्टी बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल कम मसाले इसमें जाते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा मसाले भी इसमें नहीं जाते। बजट में रह के आपको जो है रेसिपी मिल जाती है कम बजट में, तो ज़रूर लाजमी ये ट्राई कीजिए। तो हम 3 से 4 मिनट के लिए और इस ढक लेते हैं। मैं तो ये राइस के साथ बना रही हूँ, बहुत ही लजीज बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़ेदार से जो है ये टमाटर का सालन हमारा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। तो लाजमी ट्राई कीजिए आप लोग भी, बहुत मज़ेदार बनेगा आपका भी ये सालन। तो मैं ये राइस के साथ कर रही हूँ, इसे बना रही हूँ। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं माशाल्लाह से, ये देख लें ये हमारे जो है टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और इसका ऑयल जो है ये सेपरेट हो गया है। ऐसी स्टेज पर समझिए कि ये हमारा जो है सालन बन के तैयार हो गया है और बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार हो जाता है हमारा। इसमें बहुत कम मसाले जाते हैं और कभी कभार ऐसा होता है कि टमाटर बहुत ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें टमाटर का। तो ऐसा सालन आप बनाएं, बहुत ही मज़े का ये सालन बन के तैयार हो जाता है। एक बार मेरे कहने पे लाजमी बनाएं और फिर मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा सालन आपका बना हुआ है।
ये मुझे पता है कि इतना मजे का ये सालन बन के तैयार हो जाता है कि आप कढ़ाई भी भूल जाएंगे, चिकन कढ़ाई भी आप भूल जाएंगे, मैं यकीन से कह रही हूँ। तो लाजमी मेरे कहने पर एक बार जरूर ट्राई कीजिए ये सालन। 2 मिनट के लिए ऐसे भून देते हैं, फिर हम इसे डिश आउट करेंगे। ये मजेदार सा हमारा सालन जो है वो बन के तैयार हो गया है। देख रहे हैं आपके कितना ये टेस्टी लग रहा है, कितना यमी लग रहा है दिखने में भी, और बहुत मजे का ये बन के तैयार हो जाता है। तो लाजमी आप लोग भी ये ट्राई कीजिए। और अगर रात को आप ये सालन ज्यादा बना कर रख लेते हैं तो सुबह को आपको पराठे के साथ इसे खाएंगे तो बहुत ही ये मजे का लगता है। तो लाजमी ट्राई कीजिए। मैं चावलों के साथ भी आप लोगों को सर्व करके इसे दिखा देती हूँ। ये देखे कितना लुक इसका फैटी आया है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला इसमें डाल लिया था और ज्यादा मसाले हमने नहीं खाने क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये कमी मसालों में बन के तैयार हो जाता है। तो ये बहुत मजे का हमारा जो है सालन वो बन के तैयार हो जाता है। तो अभी मैं चावलों के साथ थोड़ा सा ऐसे सर्व कर लेती हूँ। चावलों के साथ हम सर्व कर लेते हैं अपना सालन। ये उसमें ये पापड़ भी लिया है मैंने साथ में। तो लाजमी ट्राई कीजिए। ये सालन हम इसमें अपना जो है वो रख लेते हैं माशाल्लाह से। ये देख ले, ये जो है हमारा सालन बहुत मजे का बन के तैयार हो जाता है। तो लाजमी ट्राई कीजिए। और हाउस वाइफ के लिए बहुत मुश्किल होता है वीडियो बनाना, रिकॉर्ड करना और फिर अपलोड करना। तो लाजमी हमें हौसला अफजाई चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देख ले माशाल्लाह से, जरूर आप लोग भी ये ट्राई कीजिए। ये बहुत मजे का जो है हमारा सालन बन के तैयार हो गया है। तो मुझे दीजिए इजाजत, मुझे अपनी दुआ में याद रखिये। अल्लाह हाफिज़।